ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने कहा कि नोवल कोरोना वायरस से बचने का उपाय सावधानी बरतना है। इसमें राजनीति से परे एकजुट होकर इस महामारी से लड़ने का संकल्प लेने का है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों से भी बचना होगा तथा संयम व सूझबूझ की बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन से इस महामारी की शुरुआत हुई है, लेकिन चीन ने इस बीमारी को छिपाया न होता तो हालात इतने गंभीर न होते। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अति आवश्यक काम होने पर ही घर से बाहर निकलें। नमस्कार साथियों, देश व विदेश में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। यह महामारी की जो बीमारी है ये पूरे विश्व के अंदर बहुत तेजी से फैल रही है। हिंदुस्तान भी इसमें अछूता नहीं रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार एहतियात बरत रही है, अपना काम कर रही है, गाइडलाइन पास की गई हैं, लोग घरों में रह रहे हैं और अन्य सारी चीजें जो सरकार बता रही है या हम इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग एहतियात बरतें, खुद भी बरतें, बाकियों को भी बताएं। और दूसरी तरफ मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब ऐसे माहौल में सोशल मीडिया और टेलीकॉम सेक्टर जैसी चीजें जो बहुत मजबूत हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं, तो ऐसे समय में जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से अफवाहें फैल रही हैं। बीमारी खतरनाक है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक उसके प्रति जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ज्यादा खतरनाक है। तो कृपया करके सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, अन्य प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, कोई भी ऐसी चीज फॉरवर्ड ना करें जिसकी कोई पुष्टि ना की गई हो। एक तनावपूर्ण माहौल समाज के अंदर ना पैदा हो, ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आज हम लोगों को कोरोना से तो बचना है, लेकिन उसके प्रति जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं तेजी से, उसके प्रति भी हम लोगों को सतर्क रहना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि कोरोना से तो बचिए, लेकिन अफवाहों से भी बचिए।